प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। इतनी अजनबी हो गई अब मैं तुम्हारे लिए, किस घर की बातें भी शेयर नहीं करोगे अब। तुम्हारे पास कौन सा वक्त है जो पूछ लो? तो तुम्हारे पास नहीं था, एक दफा बात नहीं कर सकते थे, फोन नहीं कर सकते थे? मेरे से ज्यादा तो हिबा इंपॉर्टेंट होगी। हिबा हमारे बीच कहां से आ गई यार? मैं हिबा को बीच में नहीं ला रही, कोई गलत बात मत सोचना, लेकिन तुम्हारे पास मुझे फोन करके बताने का वक्त नहीं है, लेकिन उसके साथ बैंक जाने का टाइम है। बीवी हूँ यार तुम्हारी, मुझसे क्यों नहीं शेयर कर रहे? परेशान था मैं यार, अब प्लीज मैं मजीद अपनी परेशानियों के बोझ में तुम्हें नहीं शामिल करना चाहता। क्यों? इस घर से चले जाने का कहा था ना, या अपनी जिंदगी से? इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि तुम ये डिजर्व नहीं करती। क्या डिजर्व नहीं करती? ये 2+2 की लाइफ, जरा सा खर्चा करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है इतनी चाची, तुम्हें मैं कुछ नहीं दे सकता सिवाय झूठी तसल्लियां दिलासे। बस शायद कभी कभी ये झूठी तसल्लियां और दिलासे ही चाहिए होते हैं जिंदगी में। ये पैसा, बैंक बैलेंस, ये सब मैटर नहीं करता मेरे लिए, मेरे सच्चे रिश्ते मैटर करते हैं। सच्चे रिश्ते यार, क्या सच्चे रिश्ते, बोझ बन जाते हैं सच्चे रिश्ते। नहीं, सच्चे रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं, मोतियों की तरह होते हैं, अगर कभी टूट के बिखर जाए तो झुक कर उठा लेना चाहिए। साथ तुम अकेले नहीं हो, सब में मैं हूं तुम्हारे साथ, हम मिलकर कर लेंगे ना। और मैं अम्मी से भी बात कर लूंगी, उनको समझा दूंगी कि ये घर की बेजान दीवारें रिश्तों से बढ़कर नहीं होती। बेजान दीवारें नहीं है माई, इस घर की एक एक ईंट से इश्क है मुझे। छत देख रही हो? ये सिर्फ छत नहीं है, इन बड़ों की निशानी है। मैं किसी भी कीमत पे इसको बेचने का सोच भी नहीं सकता। है, कुछ नहीं होगा, हम कुछ कोई हल निकाल लेंगे ना, हम कुछ नहीं बेचेंगे, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। जॉब मिल गई है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, शुक्र है अल्लाह। तुम्हें पता है मैंने कितनी मन्नतें मानी थी? शुक्र है अल्लाह। अब जाएं, कहीं से मिठाई लेकर आएं। इतने अरसे के बाद हमारे घर में खुशी की खबर आई है। आता हूँ। क्यों मिलने के लिए बुलाया है? क्यों बार बार कॉल्स करते हैं? क्योंकि तुम्हें देखना और तुम्हें सुनना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी। लेकिन सबका कोई फायदा नहीं है, इट्स यूज़लेस। क्यों? क्यों नहीं है फायदा? क्योंकि हालात बदल चुके हैं, मैं मैरिड वुमन नाउ। तो उससे क्या फर्क पड़ता?
अगर उस दिन हालात मेरे हक में होते तो आज तुम मेरे साथ होती। अब तुम ही बताओ इस सब में मेरा क्या कसूर है? तो मेरा क्या कसूर? तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था। लेकिन तुम मेरा इंतजार भी तो कर सकती थी, तुमने फौरन साथ से शादी कर ली। हम नहीं मिल सकते, हम नहीं बात कर सकते। साथ को अपनी किस्मत समझकर कबूल कर लिया मैं। मैं जानता हूँ ये सब बातें तुम ऊपर ऊपर से कर रही हो, अंदर से अब भी मुझसे मोहब्बत करती हो। ऐसी कोई बात नहीं है रही। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर तुम मेरी एक कॉल पे यहाँ कैसे आ गई? एक कॉल पे नहीं आई, हजार कॉलों के बाद आई। बार बार कॉल करने पे आई हूँ, तंग होने पे आई हूँ, और यहाँ इसलिए आई हूँ कि तुम्हें बता सकूँ कि प्लीज़ ये बात एक्सेप्ट कर लो कि हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। और अगर तुम सच में मुझसे थोड़ी सी भी मोहब्बत करते हो तो प्लीज़ मेरे लिए और मुश्किलें क्रिएट मत करो। लेकिन हम दोस्त हैं माई, इतना हक तो है मेरा। तुम बहुत से हक खो चुके हो। चल रही हूँ। एक सेकंड। हमारा फेवरेट सूप ऑर्डर किया मैंने, एटलीस्ट बहुत अभी के जाऊँ। कभी कभी इंसान को अपनी फेवरेट चीज़ें पीछे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ अच्छा होगा। साद कैसे हो? ओह आई गेस पहचाना नहीं, मैं हूँ फाहा, अरीब की फियांसे। आपको कैसे बोल सकता हूँ, आपकी वजह से पूरी एक रात मैंने लॉकअप में गुजारी है। आई एम सॉरी, एक्चुअली ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। पर क्या है कि अगर मेरी जगह कोई भी होता और वो अरीब और माहिर को साथ देखता तो उससे भी यही मिसअंडरस्टैंडिंग होती। मिस्टर साद शराब बुरा लगा। मुझे भी हमेशा लगता है जब जब तुम्हारी बीवी को अपने फियांसे के साथ फ्लर्ट करते देखती हूँ मुझे भी इतना ही बुरा लगता है। आपको बात करने की तमीज़ भी। सुना है आपकी क्लास में इतनी गैरत होती है कि गैरत के नाम पे कत्ल करने को तैयार हो जाते हो, लेकिन तुम देर क्यों लगाते? कब से वेट कर रही? तुम मेरा वेट कर रही थी? हाँ ऐसे डर लग रहा था। कैसा डर? बस वो हवा बहुत तेज चल रही थी और उस रात के अंधेरे से अजीब खौफ आ रहा। रात और रोज एक जैसी होती है, बस अंधेरे अपने अपने होते हैं। इतनी देर क्यों हो गई? गाड़ी खराब हो गई थी यार। फिर से? एक्सक्यूज मी, फिर से मतलब? फिर से मतलब हर इंपॉर्टेंट चीज से पहले गाड़ी खराब हो जाती है तुम्हारी। जैसे कि कोई पार्लर में अपॉइंटमेंट हो, एग्जाम हो, हर इंपॉर्टेंट चीज से पहले खराब हो जाती है। बस मुझे अच्छी तरह याद है, एक साल पहले खराब हुई थी 5 अगस्त को। ना भी है कि मैं क्यों, क्या हुआ था? मेहंदी, तुम्हें तो याद होगा। नहीं आता और करना भी नहीं आता।
हम अपनी कोई बात करें। दिन कैसा था? गुड था यार। लिसन, मैं नहीं चाहता कि तुम कहीं। जानती हूँ, बता। जो भी दिल में हुआ करे बोल दिया करो, ऐसे शक्ल नहीं बनाया करो। गुड मॉर्निंग सर। ठीक हूँ। नहीं, जी ठीक है। अरे रेहान, रेहान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के CEO, इन्हीं के साथ तो हमारी कंपनी का जॉइंट एडवेंचर है। अच्छा, ये वही है जिनके बारे में तो मुझे कह रही थी, जब भी ऑफिस का विजिट करते सब व्याख्यान को गौर से देखते। क्यों ना देखें, इनकी पर्सनैलिटी है ये तीन। मुझे पता था कि साथ ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि तुम उससे बेहतर कंपनी में काम करो। ये टिपिकल मर्द की तरह चाहता ही नहीं है कि औरत आगे बढ़े। साथ ऐसा नहीं है, और वैसे भी तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम उसके बारे में ऐसी बात करो। मुझे कोई हक नहीं है, और ये जो साथ है वो तुम्हें जो भी पाबंदियाँ लगाए ये ठीक है। वो पाबंदी लगा सकता है, कर सकता है। साथ होता कौन है तुम पे पाबंदी लगाने वाला, रोक टोक करने वाला? तुम्हारे घर वाले जिंदा हैं और हम तुम्हारे फैसले अब भी कर सकते हैं। करेगा रोक टोक खाला जान? ये जो टिपिकल मर्द होते हैं ये चाहते ही है कि औरत हमेशा इन पर डिपेंडेंट रहे, ना तो वो अपना कमाए ना अपना खाए। तुम क्यों इतना बोल रही हो? मेरा शौहर है, इज माय हस्बैंड, ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम क्यों इंटरफेयर कर रही हो? देख रही हैं आप, ये अपने इस थर्ड क्लास हस्बैंड की वजह। थर्ड क्लास हस्बैंड? क्या किया क्या ऐसा उसने? नहीं, क्यों रोक रही है? क्या किया क्या है साथ ने? मना किया तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। तमीज से दोनों ही शुरू हो गए। माहिर, व्हाट थर्ड क्लास? दोबारा कोई फजूल बात ना हो इस घर में साथ के बारे में। माहिर, नहीं सुननी मुझे आपकी बातें यार। तुम कंट्रोल करोगे माहिर को, फैसले लोगे उसके। ऐसी क्या है तुम्हारी? मेरा ऑफिस है यहाँ, मैं किसी किस्म का भी तमाशा नहीं चाहता। शराफत से चले जाओ इनसे। शराफत की जबान तुम्हें समझ में नहीं आनी, इसलिए गैरत की जबान में समझाने आया हूँ। जिस लड़की पर तुमने जबरदस्ती कब्जा करके रखा हुआ है उसे आजाद कर, छोड़ दो। कि मेरा और उसका पर्सन बैठे है, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम उसका नाम दे। हक की तो बात ही ना करो। सारी दुनिया जानती है कि मैं और माहिर एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। वही सारी दुनिया हमारा रिश्ता भी अच्छी तरह से पहचानती है। कौन सा रिश्ता? ये जबरदस्ती का कागजी रिश्ता जो उसके सर पर डाला गया है। मैं और तुम दोनों जानते हैं वो इस रिश्ते में खुश नहीं है साथ। क्यों जबरदस्ती उसे बांध के रखा हुआ है? आजाद कर दो उसे, छोड़ दो। ना ही तुम्हारे कहने पे मैंने उससे ये ताल्लुक जोड़ा था, और ना ही तुम्हारे कहने पे ताल्लुक तोड़ूंगा। ताल्लुक तो तोड़ना पड़ेगा साथ। क्यों ज्यादती कर रहे हो उनके साथ? छोड़ दो उसे। ठीक है, अगर माही खुद एक बार भी मुझे कह देगी कि छोड़ दो मुझे, छोड़ दूंगा उसे। तो सही है, इसी बात पे वादा करो कि जिस दिन माही तुमने उसे छोड़ने का कहेगी एक सेकंड नहीं लगाओगे और उसे तलाक दे दो,
खुदा की कसम निकला मान लिया, मेरा वादा है तुमसे। It was great talking to you, Saad.